तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज दिन है बुध का और अभी मैं जा रहा हूँ गाइज मैक्स हॉस्पिटल बिट्टू के साथ। बिट्टू को जो है अभी चक्कर आने बिल्कुल भी बनने हुए हैं। दो दिन से मतलब उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, दो दिन से वो घर पर ही था। हमने एक डॉक्टर थे उनकी दवाई चलवा रखी थी तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी उन्हीं डॉक्टर ने बताया कि आप इनको मैक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठते हैं तो उनको ले जाके दिखाओ, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नसों के डॉक्टर हैं वो। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं, चलते हैं अभी बिट्टू को लेके वहाँ पे। और गाइज कल वाला व्लॉग हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, मगर बस थोड़ा सा उसके एडिटिंग बाकी है। रात में बैठा था कल, असल में कल हम लोग गुरुद्वारा भी गए थे, आप लोगों को जैसे पता कल गुरु नानक जयंती थी, गुरुद्वारा भी गए थे हम लोग। वहाँ के हमने कुछ वीडियो बनाई, मज़ा आया जाके, काफ़ी बाड़ा हिंदू राव गए फिर वहाँ पर, मतलब काफ़ी मज़ा वज़ा करके हम रात को अपने 1 बजे अपना वापसी घर पर आए। आने के बाद मैं वीडियो एडिट करने बैठा तकरीबन 1:45 बजे के आसपास, तो 1:57 पे भूकंप के झटके महसूस करे मैंने खुद ज़िंदगी में पहली बार। और भाई जिसने करे हो ना वो मुझे कमेंट के अंदर बताएं, मतलब मेरा तो भाई पहला एक्सपीरियंस था ये। और मैं ये सोच रहा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ज़मीन एकदम से ऐसे ऐसे करके, मैं खड़ा हुआ था उस टाइम और एकदम से ज़मीन मेरे नीचे से ना ऐसे करके हिल रही। मैं सोच रहा शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो बस वो थोड़े देर के कुछ पल थे और एकदम से वो सही हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो, मैं लेट गया। मैंने फिर न्यूज़ लगाई, अच्छा हमारे जो सामने उस साइड जो घर है ना उनके यहाँ भी उस टाइम न्यूज़ चल रही थी। मैं फातिमा से कहने लगा, मैंने फातिमा देखो वहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं वो लोग भी, हो सकता है क्या भूकंप के झटके आए हों। मगर रात तक कोई न्यूज़ नहीं थी। सुबह 4 बजे तक मैं जागता रहा, वीडियो एडिट कर रहा था मैं। 4 बजे किसी ने स्टेटस डाला फेसबुक पर हमारे मिलने वालों ने, उनसे मुझे पता चला कि हाँ भाई दिल्ली के अंदर भूकंप आया था। तो भाई अल्लाह ताला बस रहम करे हम बंदों पर। और जो हमारे मिलने वाले हैं जाकिर भाई, जिनकी वालदा की मैंने तबीयत बताई थी आपको पिछले वाले ब्लॉग के अंदर, उनको वो एक्सपायर हो चुकी हैं, कल उनका भी फ़ोन आ गया। तो भाई मतलब दिमाग अभी बड़ा अपसेट चल रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं बिट्टू को लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पे, 2 घंटे लगें 4 घंटे लगें, क्योंकि यहाँ से साकेत काफ़ी दूर है, तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो पहुँचने में लगता है। तो ठीक है गाइस, अभी इस छोटे से सीन को तो यहीं पर मैं बंद कर रहा हूँ। अभी आज का ब्लॉग जो आज मतलब वेडनेसडे, आज का ब्लॉग फातिमा बनाएंगी, फातिमा ने ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह आने के बाद, मैं वाला ब्लॉग डालूंगा शाम तक डालूंगा इंशाल्लाह, मेरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। हम गुरुद्वारे गए थे, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, और मतलब देखिएगा ज़रूर आप लोग। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह शाम को ही। ओके अभी बंद करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही, करते हैं नाश्ता और चलते हैं यहाँ से फटाफट हॉस्पिटल। अल्लाह हाफिज़।